दिल्ली में सम्राट अकबर शाह ने बहुत कोशिश की कि उसको खर्च की रकम ज्यादा दी जाए, लेकिन अंग्रेज उसे इसके बदले नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। वे अकबर शाह का अपमान करने लगे। इससे अकबर शाह और उसके साथियों में अंग्रेजों के लिए नफरत बढ़ने लगी। सन 1837 में अकबर शाह की मृत्यु हो गई। उसका बेटा बहादुर शाह अपने पिता के सिंहासन पर बैठा। सम्राट बहादुर शाह ने भी अपने खर्च की रकम को बढ़वाना चाहा, लेकिन उसे जवाब मिला, अगर आप अपने बचे खुचे अधिकार कंपनी को सौंप दें तो आपके खर्च की रकम बढ़ा दी जाएगी। लेकिन बहादुर शाह ने इसे नहीं माना। इससे जहां बहादुर शाह के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ी, वहीं अंग्रेज इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह दिल्ली की बादशाहत को ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए। बहादुर शाह ने यह भी चाहा कि बेगम जीनत महल के पुत्र जवां बख्त को युवराज नियुक्त कर दिया जाए। बेगम जीनत महल एक योग्य बेगम थी, उनमें संगठन शक्ति बड़ी जबरदस्त थी, इसलिए अंग्रेज उनसे घबराते थे और उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार न थे। जाहिर है कि बेगम जीनत महल के शहजादे जवां बख्त को वो कैसे युवराज बनने देते। बादशाह बहादुर शाह ने अपने शहजादों के दस्तखतों से अंग्रेजों को खत भिजवाया कि वे चाहते हैं कि शहजादे जवां बख्त को युवराज बना दिया जाए। इस पर अंग्रेजों ने एक नई चाल खेली। उन्होंने एक शहजादे मिर्जा कोयाश को अपनी ओर मिला लिया। उससे ये समझौता कर लिया कि उसे केवल शहजादा कहा जाएगा। वो दिल्ली का किला खाली कर देगा और सिर्फ 15,000 रुपए मासिक पेंशन लेगा। अंग्रेजों ने सन 1856 में बहादुर शाह को भेंट और नजर देना बंद कर दिया। उन्होंने गवर्नर जनरल की मुहर पर से दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द निकाल दिए। बादशाह की खुलेआम उपेक्षा होने लगी। कंपनी का जो सिक्का बादशाह के नाम पर ढाला जाता था वो भी बंद कर दिया गया। बहादुर शाह के साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार का फल ये हुआ कि बहादुर शाह और दिल्ली की जनता में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। इसी चिंगारी ने 1857 में ज्वालाओं का रूप ले लिया था। 1857, जबकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, लेकिन यह संग्राम किसी एक घटना का परिणाम न था, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जुल्मों का फल था। एक ओर दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर के मन में अंग्रेजों के प्रति घोर घृणा बैठ चुकी थी, तो दूसरी तरफ वो हर समय इसी चिंता में डूबे रहने लगे कि किस प्रकार मुल्क से अंग्रेजों को निकाला जाए। उधर अवध में नवाब वाजिद अली शाह का शासन समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को बहुत बदनाम किया। सच तो यह है कि वाजिद अली शाह ने गद्दी पर बैठते ही सेना को सुधारने के लिए बड़े कड़े नियम बनाए थे। वे रोज सवेरे अपनी सेना से कवायद करवाते थे और खुद भी घोड़े पर मौजूद रहते थे। कंपनी के अफसरों को नवाब की हरकतें भला कैसे पसंद आती। लॉर्ड डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ का रेजिडेंट आउटरम वाजिद अली शाह से मिलने आया है। नवाब साहब, कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि आप इस कागज पर दस्तखत कर दें। क्या लिखा है इसमें? आप खुद पढ़ लीजिए। मैं वाजिद अली शाह खुशी से अपनी सल्तनत कंपनी को देने के लिए राजी हूँ। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। आपका भलाई इसी में है कि आप दस्तखत कर दें।
कंपनी सरकार से झगड़ा करना अच्छा नहीं। ले जाइए इसे और कंपनी सरकार को हमारा फैसला सुना दीजिए। 3 दिन बाद कंपनी की सेना लखनऊ के महल में जबरदस्ती घुस गई। महलों को लूटा गया, बेगमो का अपमान किया गया, वाजिद अली शाह को कैद करके कलकत्ते भेज दिया गया और पूरे अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति ने भी 1857 की क्रांति के बीज बोए थे। डलहौजी ने भारतीय नरेशों पर यह पाबंदी लगाई थी कि अगर उनके अपना पुत्र न हो तो वे कंपनी की मंजूरी के बिना किसी को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अपनी इस नीति के जरिए डलहौजी ने किसी न किसी बहाने से बहुत से रियासतों को कंपनी के अधिकार में ले लिया था। सतारा, पंजाब, नागपुर, सिक्किम, संबलपुर आदि रियासतें इसी तरह ली गईं। किंतु सबसे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई झांसी में। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने ही कुल के एक बालक दामोदर राव को गोद लिया था और कंपनी को इसकी सूचना दी थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी तो झांसी को हड़पना चाहता था। 13 मार्च 1854 को एक ऐलान द्वारा झांसी की रियासत जबरदस्ती कंपनी के राज में मिला ली गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी के आदेश का कड़ा विरोध किया। उधर दक्षिण में पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ भी कंपनी सरकार कुछ कम अन्याय न कर रही थी। इससे नाना साहब के दिल में अंग्रेजों के लिए घृणा पैदा हो गई। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति का एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया था। इससे चारों ओर असंतोष फैल चुका था। देश के तमाम वीर नेता विद्रोह के लिए तैयार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिहार केसरी बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, सभी के दिल में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने देश के इन तमाम लोगों से संपर्क किया और क्रांति के लिए उन्हें तैयार किया। उधर बिठूर में नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खान ने क्रांति के लिए एक गुप्त संगठन बनाया और इस तरह दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चय किया। इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी न थी। बैरकपुर से पेशावर तक और लखनऊ से सतारा तक हजारों राष्ट्रीय फकीर और साधु घूम घूम कर एक एक गांव और एक एक पलटन में स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार करने में जुट गए थे। उस समय क्रांति के 5 मुख्य केंद्र थे: दिल्ली, बिठूर, लखनऊ, कलकत्ता और सतारा। क्रांति के इस प्रचार में तमाशा, पवाड़ों, लावणियों और कठपुतलियों, नाटकों आदि का सहारा भी लिया गया। फकीर और साधु प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिए गए थे। सन 1857 के शुरू के दिनों में नाना साहब और अजीमुल्ला खान तीर्थ यात्रा के बहाने बिठूर से निकले। नाना साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ था। सबसे पहले ये लोग
दिल्ली पहुंचे। लाल किले के दीवाने खास में सम्राट बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंत्रणाएं हुई। इसके बाद नाना साहब अंबाला, लखनऊ, कालपी होते हुए बिठूर पहुंचे। सन 1857 की क्रांति के लिए नेताओं ने अपने संगठन के दो मुख्य चिन्ह तय किए थे, कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल उन सब पलटनों में घुमाया जाता था जो इसमें शामिल थी। किसी एक पलटन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था, उस पलटन भर में हाथों हाथ वो फूल सबके हाथों से निकलता था। जिसके हाथ में वो सबसे अंत में आता था, उसका कर्तव्य होता था कि वो अपने पास की दूसरी पलटन तक उस फूल को पहुंचा दे। इसका गुप्त अर्थ ये लिया जाता था कि उस पलटन के सब सिपाही क्रांति के लिए तैयार हैं। इस तरह से हजारों कमल पेशावर से बैरकपुर तक तमाम पलटनों में घुमाए गए। रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार के पास ले जाता था। उस चौकीदार का कर्तव्य होता था कि वो उस रोटी में से थोड़ी सी खुद खाकर बाकी गांव के दूसरे लोगों को खिला दे। फिर गेहूं या दूसरे आटे की उसी तरह की रोटियां बनवाकर वो अपने पास के गांव तक पहुंचा दे। इसका मतलब ये होता था कि उस गांव की जनता राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार है। नाना साहब की यात्रा के दौरान ही सारे देश में क्रांति का दिन 31 मई तय किया गया था, किंतु इस तिथि की सूचना हर केंद्र के केवल मुख्य मुख्य नेताओं को और हर पलटन के तीन तीन अफसरों को दी गई थी। बाकी लोगों से कहा गया था कि वे अपने नेताओं के संकेत का इंतजार करें। उधर बैरकपुर छावनी में एक विस्फोटक घटना हुई। अरे पंडित जी, जरा अपना लोटा तो दे दो, पानी पीना है। मैं अपना लोटा कैसे दे सकता हूँ, अशुद्ध नहीं हो जाएगा? अरे अब जात पात का घमंड छोड़ो पंडित जी, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, अब तो तुम्हें अपने दांतों से गाय और सुअर की चर्बी काटनी होगी। हाँ, क्या बकते हो? सही कह रहा हूँ पंडित जी, अब जो नए कारतूस बने हैं उनमें जानबूझकर ये दोनों चीजें लगाई जा रही है। हाँ, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों ने उस समय की हिंदुस्तानी फौज में चिंगारी का काम किया। फरवरी 1857 में बैरकपुर छावनी के 19 नंबर पलटन के सिपाहियों को नए कारतूस दिए गए। सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 19 नंबर पलटन में एक सिपाही था मंगल पांडे, वो इस घटना से बहुत भरा हुआ था। 29 मार्च 1857 को पलटन को परेड मैदान पर बुलाया गया। अभी पलटन आकर खड़ी हुई ही थी कि अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मंगल पांडे सामने कूद पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, भाइयों आओ, आप पीछे क्यों रहते हो? आओ, मैं आपको धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आजादी पुकार रही है कि हम फौरन अपने धोखेबाज दुश्मनों पर हमला बोल दें, रुकने का समय नहीं है। सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाए, पर सिपाही एक बार मंगल पांडे को देखते और एक बार अंग्रेज अफसर को, अगले ही क्षण मंगल पांडे की बंदूक से गोलियां चल गईं। मेजर ह्यूसन की लाश वहीं गिर पड़ी। लेफ्टिनेंट बॉग भी मरा नहीं था, उसने मंगल पांडे पर पिस्तौल से गोली चलाई, पर मंगल पांडे बच गए। इसके बाद मंगल पांडे तलवार निकालकर बॉग पर टूट पड़े और उसे मार दिया। थोड़ी देर में एक और अंग्रेज अफसर आया, उसने पांडे पर हमला करना चाहा तो एक सिपाही ने बंदूक का कुंदा उसके सर पर दे मारा। सारे सिपाही चिल्ला उठे, मंगल पांडे को हाथ मत लगाओ। इसके बाद एक बड़ा अफसर जनरल हियर्स
गोरे सिपाहियों को लेकर आया। मंगल पांडे कह रहे थे, आइयो अब घड़ा भर चुका है, आप लोग विद्रोह का झंडा उठाएं। लेकिन सिपाही कुछ नहीं बोले। जब मंगल पांडे ने देखा कि सिपाही कुछ नहीं कर रहे हैं और वो अंग्रेज सैनिकों से घिर गया है, तो उसने अपने सीने में बंदूक दाग ली और वहीं गिर पड़े, पर मरे नहीं। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में उनका इलाज